विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे की कहानी बेहद काली है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने का। राज कुंद्रा पर सॉफ्ट पॉर्न फिल्म बनाने के अलावा इनको ऐप पर डाउनलोड करने का भी आरोप है। पुलिस का दावा है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले उमेश कामत को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने और कुछ एप्स के जरिए उन्हें पब्लिश करने का मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ एप्स पर दिखाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच की एफआईआर के मुताबिक राज कुंद्रा ही इस मामले में मुख्य साजिश करता है। पुलिस ने फरवरी महीने में ही इस मामले में केस दर्ज किया था और अब जाकर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। देर रात पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मुंबई पुलिस ने इसी साल फरवरी में सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्में बनाने और उन्हें अपलोड करने का मामला दर्ज किया था। 26 मार्च को मुंबई पुलिस ने इसी मामले में एकता कपूर का भी स्टेटमेंट लिया था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का स्टेटमेंट पहले ही दर्ज कर लिया है। राज कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी महीने में केस दर्ज किया गया और अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एफआईआर के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया था। पुलिस के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख रुपए की पेमेंट मिलती थी। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता है, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थी और इन्हें राज कुंद्रा का एक नजदीकी ही अपलोड करता था। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्मों को लंदन से अपलोड किया जाता था और इस काम को उमेश कामत नाम का शख्स अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक उमेश कामत ने एक अभिनेता और अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए वीडियो को भी एप्लीकेशन वेबसाइट पर अपलोड किया था। पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक 90 पॉर्न वीडियो से ज्यादा शूट किए जा चुके हैं और उतने ही अपलोड भी किए गए हैं। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का ये पूरा खेल पहली बार तब चर्चा में आया था जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को हिरासत में लिया था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद से ही धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलना शुरू हुई थीं। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट को चलाने के लिए मुंबई में मलाड वेस्ट के मडगांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था, जहां अश्लील फिल्मों की शूटिंग चलती थी। यहां तक कि जब पुलिस ने यहां छापा मारा तब भी अश्लील फिल्मों की शूटिंग ही चल रही थी। इन अश्लील फिल्मों और वीडियो को एक नहीं कई साइट्स पर अपलोड किया जाता था और पैसे कमाए जाते थे। 19 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात 9 बजे राज कुंद्रा मुंबई क्राइम ब्रांच के भाईकला दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सुबह 4 बजे मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल और वहां से सुबह 4:15 बजे मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। अब संभावना है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।